सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज कंचन मार्केट के बगल में स्थित लखनऊ हेरिटेज अस्पताल का है। वीडियो में एक युवक डॉक्टरों पर हैवानियत का इल्जाम लगा रहा है। उसका कहना है कि उसकी गर्भवती पत्नी जो कोरोना नेगेटिव थी, उसे जबरदस्ती पॉजिटिव बनाकर कोविड वार्ड में डाल दिया गया और उसके बच्चे को मार दिया गया। नंगनाच, मौत का नंगनाच चला हॉस्पिटल में, नंगनाच। अरे एक कुल्हाड़ा लेके बाहर बैठ जाओ, गर्दन पे मारते रहो, कम से कम तसल्ली दो कि लोगों को मार दिया। हेलो, मैं सचिन सैनी, मेरी वाइफ 6 महीने प्रेग्नेंट है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव है। बिगरजपुर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में इन्होंने कोरोना में इसको लिया, कोरोना में लिया, और मेरी वाइफ का बच्चा हमारा पेट भर। कुछ सबसे पहला सवाल ये कि आरटीपीसीआर निगेटिव में इन्होंने भर्ती कैसे कर लिया कोरोना में। मैं बड़ा परेशान हूँ। देखो अभी रिपोर्ट दिखाइए, ये अभी गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑनलाइन जो आती है, ये जो दावे करते हैं कि गवर्नमेंट दिखाओ, ये गवर्नमेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मार कैसे दिया, मेरी वाइफ मार दी इन्होंने, आज ही भर्ती की थी। ये देखो, ये मेरे गांव के, ये मेरे पिताजी, ये मेरे ससुर डॉक्टर MBBS डॉक्टर है, ये आप मेरे सामने आज इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को मारा है जो आज सुबह भर्ती हुए। आज सुबह हंगामा हुआ है यहाँ पे, तोड़फोड़ भी किया लोगों ने, तब जिनके लोग और भी मरे हैं, मेरे नाश कर दिए लोगों ने। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे सारा स्टाफ, पुलिस वाले भी सब है, कोई नहीं यहाँ पे दिख रहा, देखो कोई नहीं दिख रहा, देखो वो डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे। मेरा नाश कर दिया लोगों ने। आरटीपीसीआर निगेटिव है कोरोना में एडमिट करके, मेरे बच्चा 6 महीने का, 6 महीने का भाई, बताओ इसके खिलाफ। अभी कोरोना नहीं था, निगेटिव था। मैं पिछले 3 दिन से लेके घूम रहा हूँ कि आरटीपीसीआर दिखाओ, आरटीपीसीआर, आज आरटीपीसीआर दिखाई इन्होंने, फिर भी कोरोना में एक एंटीजन टेस्ट के आधार पर कोरोना कोविड सेंटर में डाल दिया। 6 महीने की मेरी वाइफ थी। ये देखो आप, पापा इन्होंने नाश करते, मेरा बच्चा भी मार दिया। ये कहाँ है डॉक्टर? ये अब मैं सुबह, मैं पिछले एक घंटे से यहाँ पे इनकी कोरोना हेल्पलाइन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले एक घंटे से मैं इनकी कोरोना की SPO2 की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बता नहीं रहे। देखो यहाँ पे कोई नहीं है, देखो अभी भाग गए सब लोग। ये इनका ऑफिस बताइए, कहाँ पे, कहाँ की सेफ्टी, कहाँ के, अरे इससे अच्छा तो इंजेक्शन लगा दो जहर का घर पे जाके। अब मुझे ये, अब मेरी बॉडी भी नहीं देंगे, मेरी हेल्प कीजिए। ये रिपोर्ट मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखो कुछ नहीं होने का, मेरी ये देखो, निकाल लो, ये देखो, ये देखो, ये मार रहे हैं। आज इन्होंने दिल्ली के 2 पेशेंट मारे जो ठीक ठाक आए थे चल के। कौन है डॉक्टर यहाँ पे? ये देखो भाई साहब, मैं अपनी मदद के लिए 4 घंटे से फिर रहा हूँ, कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। कहाँ पे, कैसी है, हेल्पलाइन भी नहीं उठाते, फोन काट देते हैं। उनकी स्थिति क्या है, कोई ये नहीं बता रहा कि उनकी स्थिति क्या है। मेरा नाश कर दिया, मैं सचिन सैनी का पल्टी का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चा भी मार दिया, मेरी वाइफ भी मार दी लोगों ने। ये MBBS डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर कहाँ के हैं? सुभारती ये बिगराजपुर मेडिकल हॉस्पिटल है मुजफ्फरनगर में, यहाँ पे सब हुआ है, नंगनाच हो रहा है। ये कल लेके आया, इन्होंने बोल दिया कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आधार पे एडमिट करेंगे। एक हॉस्पिटल में सरकारी में एंटीजन टेस्ट कराया निगेटिव, और उसके बाद इन लोगों ने हॉस्पिटल में देखो ये सब लाइन लगी हुई है, किसी का कुछ पता नहीं है, जो आ रहे हो उसका पता नहीं हो, जिंदा वापस जाएगा नहीं जाएगा। मेरी वाइफ मार दी, मेरे 6 महीने का बच्चा मार दे पेट में, आज आरटीपीसीआर निगेटिव, आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव, कैसे इन्होंने, मेरी हेल्प कीजिए, मैं क्या करूँ। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं दिखा रहा, कोई डॉक्टर नहीं है अभी, कोई देखो रिसेप्शन भी खाली, ये देखो यहाँ पे भी कोई नहीं है, ये देखो आप लोगों से दरख्वास्त है, आप जो भी लगे सिम्टम अपने का घर पे गला घोर दो, लेकिन यहाँ पे मत लाओ। मैं बता रहा हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी पूरे हॉस्पिटल में दिखा रहा हूँ, ये देखो, आ जाओ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इमरजेंसी में, ये इमरजेंसी
यहाँ पे कोई नहीं है। ये देखो ये देखो ये देखो, मेरा नाश कर दिया इन लोगों ने, मेरी वाइफ मेरा बच्चा खा गए ये लोग। अरे मैं पैसे दे देता तुम्हें, किस चीज के लिए खा रहे हो पैसे? ये देखो ये एम्बुलेंस नहीं है एक भी, सब भगा दिया से इन्होंने इसके इसके बाद। मैं पिछले घंटे से आप प्लीज न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।